हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है, और गुलाब कहें या गुलाब की मीडिया कहें, बात एक ही है। क्योंकि गुलाब लगाने के पहले हमें सबसे पहले ध्यान में एक ही चीज़ आती है कि गुलाब का मीडिया, और उस मीडिया में भी आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आए दिन परेशानी होती है, और पिछले कई सालों से मीडिया को लेकर के परेशानी बनी रह रही है कि गुलाब के लिए आखिर सबसे बेहतर मीडिया कौन सा है, क्या है, और यदि है तो वो कितने टाइम में एक्सपायर होगा, उसकी कोई एक्सपायरी डेट होगी या नहीं होगी। आज इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, और इसके जो प्लस पॉइंट है माइनस पॉइंट है दोनों को इंक्लूड करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये पौधा आप देख पा रहे हैं कि ये जो है पौधा लगा हुआ है मेरे गमले में। अब दिक्कत क्या हो रही है कि जैसे कि ये पौधा मैंने लगा दिया, अब ये पौधा कितने दिनों तक हम इस गमले में रख सकते हैं, या ये जो मीडिया है ये कब एक्सपायर होगा। आखिर कोई भी चीज़ इस धरती पे है वो लाइफ टाइम के लिए तो है नहीं, उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट ज़रूर होगी। तो उसी प्रकार से हम ये जो मीडिया यूज कर रहे हैं, चाहे हम सॉयल यूज कर रहे हैं, चाहे कोकोपीट यूज कर रहे हैं, या कोई भी अदर मीडिया यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक्सपायरी क्या है। आज हमारा जो एक्सपायरी डेट के बारे में हम चर्चा करेंगे वो सिंडर के बारे में लेके करेंगे कि एक्चुअली में सिंडर को कब चेंज करना पड़ता है। क्या हमने इस गमले में जो पौधा लगाया है ये सिंडर हमें हर साल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंडर को लेके बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। हर रीजन का एक अपना व्यक्तिगत राय है, जैसे कोलकाता के लोग सिंडर को लेके कुछ और बात कहते हैं, नॉर्थ के लोग और बात करते हैं, साउथ के लोग और बात करते हैं। तो हर जगह सिंडर को लेके अलग अलग बातें की जाती हैं। तो मेरा जो एक मिला जुला राय है, जो मेरा एक मिला जुला रिसर्च है इस सिंडर को लेकर के, वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात ये है कि सिंडर जो है एक पोरस मीडिया है, जो कोयले का जला हुआ भाग होता है वही यूज किया जाता है एज अ पॉटिंग मीडिया। जब भी हम गुलाब लगाते हैं या कोई भी ऐसा पौधा जिसको पानी कम चाहिए या पानी इतना चाहिए कि उसकी रूट में पानी रुका ना रहे, पोरस हो, तो उस मीडिया में हम जो है एज अ सिंडर हम यूज करते हैं। तो अब हम गुलाबों में अगर हम यदि सिंडर यूज कर रहे हैं तो ये कब तक हम रख सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो मानना है कि अगर आप नॉर्थ रीजन के हैं या साउथ के हैं या कहीं किसी भी रीजन के हैं, तो आपको सिंडर को पहली बात है रीयूज करना आना चाहिए। जैसे अगर आपने इस सिंडर को यूज किया है, इस साल आपने नए पौधे लगाए हैं छोटे गमले में, तो उस सिंडर को आप या तो साल भर रखने दीजिए, साल भर के बाद आप उसको बड़े गमले में डालेंगे, जैसे छोटे गमले में है फिर बड़े में डालेंगे, लगभग 2 से 3 साल आप उसको लगातार यूज कर सकते हैं उस सिंडर को, कोई उसमें चेंजेस नहीं करने। लेकिन जैसे ही 2 से 2.5 साल 3 साल हो जाता है सिंडर का, तो वो सिंडर क्या होता है, चूँकि सिंडर जो है वो पोरस है, उसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है सॉयल की तरह जो कि आपको चेंज ना करना पड़े, नया ना करना पड़े, रिचार्ज ना करना पड़े। तो सिंडर क्या है कि एक बार जैसे उसमें हम केमिकल खूब सारा यूज कर ही रहे हैं, आए दिन हम केमिकल यूज कर रहे हैं गुलाबों के लिए, अब उसमें क्या होता है कि आपका सिंडर जो है वो ब्लॉक हो जाता है, उसमें सॉल्ट जो है फिल हो जाता है, जो भी ग्रेन्स होते हैं जैसे कि ये जो आपके ग्रेन्स हैं, ये जो है धीरे धीरे पूरी तरह से क्या होते हैं कि ब्लॉक हो जाते हैं। इनमें पोरोसिटी जो होती है उसमें आपका केमिकल का जो सॉल्ट होता है वो फिल हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ये फ़ायदे करने की बजाय ये नुकसान करने लगते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने का ये है कि आपको क्या ज़रूरी है चेंज करना। तो मेरा ये मानना है कि आपको इसे चेंज नहीं बल्कि रीजनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर आपने पौधा लगा दिया, निकाला 2.5 साल के बाद 2 साल के बाद, या जब भी आपको सिंडर ऐसा लग रहा है कि आपका सिंडर पुराना हो गया है, कम से कम 2 साल तक तो बिल्कुल ही इसे चेंज ना करें। मेरा जो मानना है 2 से 2.5 साल आप एकदम आराम से इसे यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन 2 से 2.5 साल के बाद कुछ जगहों पे, जैसे अगर आप केमिकल बहुत यूज कर रहे हैं तो 2 साल पे करिए, अदरवाइज 2.5 साल 3 साल
तक आपको 100% इसको रिचार्ज करना पड़ेगा, रीजनरेट करना पड़ेगा। आप इसको निकालिए, पूरा सेंडर आप निकाल करके कहीं पे भी आप इसको ओपन जगह पे, जैसे मैंने ये अभी छत पे ये रखा हुआ है, आपको दिखा दूँ, ये मैंने रखा हुआ है, तो इतना सेंडर ऐसे ही आप रख दीजिए, इसको फैला दीजिए। फैला करके आप एक सीज़न इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इस पर बारिश पड़े, इस पर धूप पड़े, इस पर हवा लगे, तो ये होगा क्या कि इसका जो भी एक्सेस इसमें जो हमें केमिकल फील हो गया है वो वॉश आउट हो जाएगा। ये पहला एक तरीका है, आप अपने सिंडर को नया कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि जब भी आपका ये सिंडर है ऐसे, इस सिंडर को पहले तो ऐसे निकालिए, छत पे फैलाइए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, तो इसके बाद इसको क्या करिए, आप जो है चलने से, किसी भी चलने से, जो मोटा वाला छेद वाला चलनी होता है उससे इसको चाल दीजिए, ताकि जो डस्ट पार्टिकल है वो अलग हो जाए, जो मेन पार्टिकल है, ग्रेन्स हैं, वो आपके रह जाएं। उस ग्रेन्स को क्या करिए, फिर एक बकेट में आप पानी भरिए, एक बड़े से बाल्टी में पानी भरिए, और उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 है डाल करके, उसमें लगभग 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड 10 लीटर पानी के हिसाब से आप डालिए, और उसमें इस पानी से ये जो आपका ये पूरा सेंडर है इसको वॉश करिए। जैसे गेहूं धुल करके हम फैलाते हैं छत पे या ऐसा करते हैं, वैसे ही आप इसको करिए। आपका ये सेंडर 90% तक आपका क्योर हो जाएगा, नया हो जाएगा, क्योंकि केमिकल जो है H2SO4 आपके सिंडर की जो पोरोसिटी है, जो ब्लॉकेज है, जो केमिकल ब्लॉकेज है, वो सारा वॉश आउट कर देगा, तो आपका सिंडर जो है नया हो जाएगा। तो एक काम आप ये कर सकते हैं, मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो आप इसको नेचुरली क्लीन होने दीजिए, या तो आप केमिकली क्लीन कर लीजिए। तो ये क्या होगा कि बिहेविंग लाइक न्यू सिंडर आपका हो जाएगा, एकदम नया हो जाएगा, आप फिर से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरली आप करेंगे उसमें कम से कम 2-3 महीने आपको बिल्कुल ओपन एरिया में रखना पड़ेगा, जैसे बारिश होना चाहिए। आप जैसे अभी के मौसम में आप इसको डंप कर दीजिए, कहीं पे भी रख दीजिए जिस पे बारिश पड़े, फिर आप इसको नए सीजन में, जब भी आपका बरसात ख़त्म होता है, नए सीज़न में आप इसको फिर से यूज कर लीजिए। विंटर जैसे ही अक्टूबर आता है आप इसको यूज कर लीजिए, जब बरसात आए आप डंप करिए, और बरसात 2-3 महीने के बाद आप जैसे बरसात आपकी ख़त्म होती है आप इसको यूज कर लीजिए, नया हो जाएगा। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपको तत्काल यूज करना है 2-4 दिन 5 दिन पे, तो आप निकालिए, थोड़ा सा हवा लगने दीजिए, जैसे ही डस्ट क्लीन हो जाए इसका, फिर आप इसको केमिकल से वॉश कर दीजिए। जो 10 लीटर पानी में 2 ml अपना सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, वॉश करिए, एकदम नया हो जाएगा। लेकिन ये 100% क्योर नहीं होता है, लेकिन जो कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा खर्चे से आपको बिल्कुल बचा देगा, और जहां आपको 10 क्विंटल सिंडर या 100 किलो सिंडर की ज़रूरत पड़ेगी, वहां पे आपको 10-20 किलो नया लेने से ही काम चल जाएगा। तो ये आपका एक तरीका है सिंडर को नया करने का, सिंडर को रिचार्ज करने का। तो जैसे कि ये मेरा एक गमला है, अगर मैं इसमें, आप देख रहे होंगे कि सिंडर है, अगर मैं इसको 2 साल बाद अगर यूज करूँगा तो इसको मैं वॉश कर लूँगा, या तो केमिकल से वॉश करूँ या मैं नेचुरली इसको रख दूँ, तो दोनों तरीके हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन होते थे, सिंडर को क्या हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा? तो आपको बार बार चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक बार 2 साल पे, 2.5 साल पे इसे रिचार्ज कर लीजिए, या रिजनरेट कर लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, रिन्यू कर लीजिए। बाकी आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेंडर बहुत महंगा है, आज के समय के हिसाब से सेंडर बहुत कॉस्टली है, और 100% जगह पे अवेलेबल नहीं है। देखिए, मैं सेंडर यूज करता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि आप सेंडर यूज करिए, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन देखिए, हर चीज़ का एक प्लस पॉइंट होता है, एक माइनस पॉइंट होता है, तो हम सिर्फ प्लस को नहीं देखेंगे, हम उनके माइनस वैल्यू को भी देखेंगे, ताकि हमारे खर्चों पे या हमारे वैल्यूज़ पे उस पर असर ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, हर तथ्यों को जानना ज़रूरी है। अगर हम कोई चीज़ यूज कर रहे हैं, जैसे मैं केमिकल बहुत यूज करता हूँ, कई लोग बोलते हैं सर आप केमिकल ज़्यादा यूज करते हैं, जी हाँ केमिकल ज़्यादा यूज करता हूँ, उसके नुकसान भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी हैं। मेडिसिन अगर मैं बहुत ज़्यादा केमिकल स्प्रे कर रहा हूँ, गुलाबों पे दवाइयाँ डाल रहा हूँ, उसके भी साइड इफ़ेक्ट हैं। मैं नुकसान की बात अक्सर करता हूँ कि, और मेरे से बहुत सारे लोग बात भी करते हैं कॉल पे या ऐसे भी, कि सर मैं ये दवाई रोज़ डाल रहा हूँ, वीक में 4 बारी स्प्रे कर रहा हूँ। तो मैं उनको पहले यही बोलता हूँ, गुलाबों के आगे भी जीवन है, गुलाब ही सिर्फ आपके जीवन नहीं है, गुलाबों के आगे भी आपकी लाइफ है। अगर आप इतना ज़्यादा केमिकल एक्सेस में यूज करेंगे तो आपकी फैमिली पे, बच्चों पे असर ज़रूर पड़ेगा। तो ये अक्सर मैं बोलता हूँ, तो हमेशा प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों को लेके चलना है। तो सेंडर को हमेशा अच्छा ही ना समझिए,
ये एक तरह का समझ कह सकते हैं कि कन्वेंशनल तरीका है, कभी भी ये ख़त्म हो सकता है। आपका एक आज है अवेलेबिलिटी, कल को फैक्ट्रीज़ अगर ऐसे कोयले से जो चलने वाली फैक्ट्रीज़ हैं बंद की जाएं, या कोयला ख़त्म हो जाए, या कुछ भी हो सकता है, या कोयले के दाम जो है बहुत हाई फाई हो जाएं, सेंडर का ही जो कॉस्टिंग चार्ज है बहुत हाई फाई हो जाए, तो हम कैसे लगाएंगे? गुलाब उगाना तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया शिफ्ट करेंगे। जैसे सॉयल से बहुत सारे लोग सेंडर में शिफ्ट हुए, बहुत सारे लोग कोकोपीट में शिफ्ट हुए, लेकिन फिर कभी ना कभी एक समय आएगा कि सेंडर से हम सॉयल में भी शिफ्ट होंगे। तो ये मेरा मानना है कि हमेशा आगे का भी आपको सोचना है। सेंडर को ऐसा नहीं कि आप मंगा रहे हैं हर साल दो सौ क्विंटल और 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 1-1 टन मंगा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको हर साल डंप कर रहे हैं। तो इतना यूज करके उसको फेंकने का मतलब नहीं है। हम चीज़ों को रीयूज कर रहे हैं तो उससे भी कितना अच्छा रीयूज कर सकते हैं, ये आगे की सोचनी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आशा करता हूँ कि आपको एक बेहतर चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी है, आप लोग समझे भी होंगे। तो जो भी क्वेश्चन, सुझाव या भी आपके कोई विचार हैं, आप चाहते हैं शेयर करना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और नए वीडियो में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।